बरेली के इज्जतनगर पुलिस ने पकड़े दो फर्जी सब इंस्पेक्टर। दिल्ली पुलिस के निकले आई कार्ड। दिल्ली पुलिस के दो फर्जी इंस्पेक्टर और दरोगा गिरफ्तार। फर्जी का रौब दिखाकर मांग रहे थे हजारों रुपए की रंगदारी। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से एक पिस्टल, दो मिलिट्री जैकेट, 4,500 रुपए, एक मोटरसाइकिल बरामद। इज्जतनगर थाना पुलिस ने वीर सावरकर नगर से की गिरफ्तारी। इज्जतनगर पर एक वादी हैं गुलाम मोहम्मद, जो कि जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। दूसरे जो वादी हैं साहिद खान, ये थाना सिबीगंज जनपद बरेली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाने पर आकर तहरीर दी गई। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि दो व्यक्ति जो हैं पुलिस की वर्दी में आए थे और इनसे जो है बताया कि हम लोग जो हैं दिल्ली पुलिस से हैं, और इनके पास पुलिस का इन्होंने अपने आईडी भी दिखाया, और इनके पास जो है गन भी थी, एयर गन थी और पिस्टल थी। जो इसमें इनके द्वारा बताया गया कि आप जो है हमारे यहाँ के जो एक अपराधी है, आप उनसे मिले हुए हैं, अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। इनसे इन्होंने 5,000 रुपये ले लिए। फिर ये अगले दिन आए और उससे जो है 60,000 रुपये की मांग करने लगे। इस पर जो व्यक्ति है साहिद खान, उनको शक हुआ, उन्होंने थाने पर आकर तहरीर दी और ऐसी बात कही। फिर उसके बाद में जो पुलिस की टीम लगी तो इन दोनों को जो है वीर सावरकर नगर से जो है गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो है एयर गन और दिल्ली पुलिस की जो आईडी कार्ड है वो बरामद हुए हैं। दो मिलिट्री के जो ड्रेस होते हैं वो बरामद हुए हैं। मिलिट्री कलर की ड्रेस है, एक वर्दी है जिसमें मोनोग्राम भी लगा हुआ है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।